भाई मुझे आज 5-7 मिनट देना, मैं धुक्की निकाल दूंगा इनकी पर। 5-7 मिनट दे दूंगा। रोश रोश कद है, रोश किसान दी घटदी इनकम दा है, ओदी घटदी एमएसपी दा है, और अज ओनू ओदी एमएसपी नू खोण दा खतरा पै गया। ओदी खोण दे डर दे नाल अज किसान इन्ना ज्यादा घबराया होया और सड़कां दे उत्ते आया होया। कि पंजाब नू ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए सी, कि पंजाब नू हरी क्रांति चाहिए सी, पंजाब रज्या पुज्या सी, पंजाब नू नहीं चाहिए सी, हिंदुस्तान नू चाहिए सी। इस देश दे लई अन्न पैदा करके अन्नदाता बनिया पंजाब दा किसान, ओदी पग उच्ची अज करनी है असी। कि पंजाब नू ए एमएसपी दी लड़ाई क्यों लड़नी पई, क्योंकि पंजाब दे किसान नू घट एमएसपी दे के 80 करोड़ लोगों का, 80 करोड़ गरीबों का पेट भरिया इस सेंटर की सरकार ने। तो अज एहसान फरामोश हो गई है सेंटर की सरकार। अज साडा किसान मारन दे उत्ते साडी पक्की इनकम नू खोण दे उत्ते तुल गई है सरकार। यह सरकार पूंजीपतियां दे हाथ दे विच सारा कुछ देना चाहती है, गन्ने चूपण नू बांदरी ते डंडे खाण नू रिच। टका के ठोको, टका के धक्के नाल पास किए काले कानून, एक काली पग दे नाल विरोध करदा मैं इहदा, बगैर किसी डिबेट के पास किए कानून। ये साडे फैडरल स्ट्रक्चर के उत्ते, साडी जिहड़ी डायवर्सिटी है कि अड्ड अड्ड सूबियां दे विच अड्ड अड्ड मसले ने, अड्ड अड्ड लोग ने, अड्ड अड्ड भाषावां ने, पर असीं सारे इकट्ठे हाँ। ये उस भावना के उत्ते अटैक है जो भरा नहीं है भावों से बैठी, जिसमें रसधार नहीं वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें देश का प्यार नहीं पंजाब का प्यार नहीं वो पत्थर है। ये साडे अधिकारां दे उत्ते डाका मार रहे हैं, ये सानू करला रहे हैं। साडी इनकम आ बैठा मनप्रीत भाजी आ बैठा है, इनू पुछो 5000 करोड़ रुपया आउंदा सी मंडियां चो, पिछले साल 5000 करोड़ आना सी, 30000 आड़तिया इन्होंने बर्बाद कर देना। 5 लाख मजदूर ओदी पग ला के थले सिट देनी है, ओदा अस्तित्व मिटा देना इन्होंने। ये लोग बाप दादियां दा, मेरे बाप दादा ने मिलकर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये मंडियां बनाई, और पूछो पूछो इस सेंटर की सरकार से कि जहां मंडियां नहीं है वहां किसान लेबर कर रहा है, लेबर कर रहे हैं किसान उथे, तो साडियां मंडियां खोलेंगे तो फिर मैनू दसो असी कित्थे जावांगे, असी की करांगे। मैं अज कह रहा कि अमेरिका का फेल होया सिस्टम, यूरोप का फेल होया सिस्टम साडे ते थोप रहे ने, ये मर रहे ने साडे उत्ते। उन्हां थावां ते ते इंडस्ट्रियलाइजेशन सी, पर साडे कोल अज कख भी है नहीं, कख भी है नहीं, साडे कोल रोजगार कित्थों आऊगा। और मैं इस करके कह रहा कि जिवें अहमद शाह अब्दाली जदों आया सी ना, उदों कहिंदे ने खाधा पीता लाहे दा, बाकी अहमद शाह दा तुसीं तैयार हो जाओ, जे आपां लड़े ना, जे आपां इकट्ठे हो के ना काले कानूनां दा विरोध ना कीता, ते कहांगे खाधा पीता लाहे दा, बाकी अंबानी ते अडानी दा। सरकारां नूं कहिंदी आ अंबानी अडानी, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। ठोको ताड़ी टका के पूंजीपति बड़े बड़े अंबानी वो फौज लेके आउणगे वकीलों की, वो वकीलों की फौज लेके 2 एकड़ वाले किसान के नाल किदां समझौता करनगे, किदां कॉन्ट्रैक्ट करनगे, ये मैनू कोई समझा दे। इस देश नू पूंजीपति चला रहे हैं, इस देश को पूंजीपति चला रहे हैं। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, किसान को देते हो तो कहते हो सब्सिडी, और अमीरों को 5 लाख करोड़ छोड़ते हो, 10-10 लाख करोड़ देके भगा देते हो, उसको कहते हो इंसेंटिव। वाह तेरे बल्ले हो तेरे, वो इंसेंटिव है और ये सब्सिडी है। दिता की है तुसी रेवेन्यूज फोरगोन के नाम पे, सरकार हर साल 5-5 लाख करोड़ इन पूंजीपतियों को छोड़ती है। किसान को क्या दिया? किसान को कुछ नहीं दिया। और मैं अज ये टका के गल कहना चाहना कि जे अज ये सानू हरियाणा नहीं टप्पण देंदे, जे अज साडे ते पानी दियां बाछणा मारदे आ, आ जाखड़ साहब ने खाधियां, ते पंजाब तां जितदा है, तां जितदा पंजाब, साडी सरकार तां जितदी है जे अंबानी ते अडानी असीं पंजाब च वड़न ना दईए, असीं नहीं वड़न दिंदे इहनां नूं, असीं नहीं आउण दिंदे। साडी जित तां है, ये पंजाबीयत दे खिलाफ है। 10 एकड़ वाले किसान नूं अड रेट देणगे,
दो एकड़ वाले किसान नूं इह अध रेट देणगे, इह वंड देणगे। पंजाब तां कहिंदा है मानस की जात सब है कै पहचान बो, असी कट्ठे हां, असी सारे हर धर्मां दे नाल कट्ठे हां, इह वंड देणगे पंजाबीयत दे बोर नूं, इह टक ला देणगे, मका देणगे। मैं अज इको गल कहनी है और मैं राहुल जी का और कांग्रेस प्रेजिडेंट सोनिया गांधी जी का धन्यवाद करना चाहना। और क्यों धन्यवाद करना चाहना, क्योंकि जड़ा संविधान का कानून है आर्टिकल 254 के तहत सोनिया जी ने हदायत दी है सारे चीफ मिनिस्टर नूं कि तुसी इन्हां कानूनों के खिलाफ असेंबली बुलाओ और उत्थे इन्हां कानूनों नूं रद्द करके पंजाब के कानून बनाओ, अपने कानून बनाओ और कहो थोनू वड़न नहीं देंगे और MSP किसान की घटन नहीं देंगे, उन्नी MSP देंगे। ठोको ताड़ी टगा। मैं धनवाद करना कांग्रेस प्रेजिडेंट का और यह भी कहना कि सैशन बुलाओ, अपने कानून बनाओ। हो सकता है कि प्रेजिडेंट जरा भाजी अज ना रोक वो, मैं क्या घोड़े नू इशारा बहुत हों, बाकी कहते लत्त मारी पहला भी बिठाई रखे थी। ये जड़ा कानून है जे असी असेंबली च पास करके भेजा, ये साड़ी जिम्मेदारी भी है और किसान की पग का सवाल है। और ये अगर असी प्रेजिडेंट को भेजा और प्रेजिडेंट ने ना भी करती ता भी साड़ी जित है, क्योंकि सरकार नंगी होकर खड़ी हो, सरकार नंगी करनी है। असी सरकारिया कमिशन की गल करे भी जे कचहरिया जावे तो सरकारिया कमिशन ये कहता है कि सेंटर नूं आर्टिकल 249 दिती है, वह किसी भी स्टेट लिस्ट की गल के उत्ते कानून बना सकता है। असी लड़िए, असी कोर्टां कचहरिया भी लड़िए, हर थां ते लड़िए, एंट्री 33-34 नाल भी लड़िए और स्टेटां दे अधिकारां की गल करिए। लेकिन मैं ये कहना कि प्यारे पंजाबीओ, जे असी कनेडा वसाता, जे असी अमरीका वसाता, जे अज असी विदेशों के अपनी धाक जमाई हुई है तो थोनू लगता भी पंजाब दे विच असी अपनी धाक नहीं जमावांगे। मैं ये कहना कि जे 60% किसानी का किता है पंजाब दे विच, जे अज किसान की तूती बोलती है 70% लोग किसान ने, फिर आर्थिक आधार किसी अंबानी और अडानी का क्यों होवे, पंजाब दे विच किसान की क्यों ना चले। मैं कहना कि सब तो बड़ा सवाल राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हमें शंभू बॉर्डर के आगे जाने नहीं देते, ये हमें मंजूरी नहीं देंगे, ये कानून वापस अगर नहीं लेते तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम क्या करेंगे, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शैल वी डू, दैट इज द बिग क्वेश्चन। उस तो बड़ा कोई सवाल नहीं भी असी की करांगे। मैं कहना कि जे किसान दी MSP तुसी दुध ते दे सकते हो, जे दुध चक सकते हो तो जे हिमाचल की सरकार सेब ते MSP दे सकती है तो फिर किसान नूं MSP क्यों नहीं दे सकती। ठोको ताड़ी टकाक। पंजाब सरकार जिम्मेवारी लवे, पंजाब सरकार हल दवे। सरकारां पिठ दिखाउण नूं नहीं हुंदियां, ना सरकारां दिखावे लई हुंदियां, सरकारां हल वास्ते हुंदियां ने। सरकारां हल देण, MSP देण। और मैं थोनू एक होर गल कह रहा कि अज की जो आपां खाने आ वो इत्थे उगाउने आ, पंजाब सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए की दालें बाहर से इंपोर्ट कर रही है आटा दाल स्कीम के लिए, क्यों नहीं हम उगा सकते, क्यों नहीं हम ऑयल सीड्स पे MSP दे सके। किसान ने अगर चोना लाया, किसान ने अगर कणक लाई, वो बहुत सियाना सी क्योंकि उसे राइस पे MSP मिलती थी, वो MSP लेता था इसलिए वो उगाता था, इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर सका। लेकिन आज ये मौका है कि हम ऑयल सीड उगा सकते हैं, हम दालें उगा सकते हैं, हम आज एक ऐसा मकाम सेट कर सकते हैं कि हम अपने पैरों पे खुद खड़ा हो जाइए। और गुरु नानक साहब ने कहा था अपन हाथी अपना आपे ही काज संवारिए, अपन हाथी अपना आपे ही काज संवारिए। बोले सो निहाल। किसान यूनियना कोऑपरेटिव बनान, मैं कहना किसान यूनियना कोऑपरेटिव बनान, कट्ठे हो जाइए, कल्ले 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 नूं इह वंड देणगे, लेकिन अगर असीं कट्ठे हो जाइए तो कोऑपरेटिव बना के कट्ठे हो के असी हक मंगी अपने ते एक रेट दे उत्ते असी फसल वेच सकते हैं। और मैं थोनू अज कह रहा कि सबसे पहले गारंटीड मिनिमम गारंटी
जो फसल पे दी थी वो कांग्रेस ने दी थी, एमएसपी कांग्रेस ने दी थी और गारंटीड सरकारी खरीद कांग्रेस ने दी थी। फूड सिक्योरिटी एक्ट 1080 करोड़ का, यह भी कांग्रेस ने दिता सी, राहुल गांधी ने तो ठोको टका के ताड़ी। तो फिर पंजाब सरकार खुश, एमएसपी दवे, स्टोरेज दवे, स्टोरेज की कपैसिटी दवे और खुद अपने पैरों के उत्ते खड़े हो जाए। बस च भी चढ़ो ना, तो बस च लिखा होंगे टका के ठोक्यो, सवारी अपने समान की आप जिम्मेवार है, ठोको टका के ठोको, है कि नहीं। इस करके पंजाब एकता और किसान एकता ये नारा नहीं, ये दिशा निर्देश है, ये साडा मार्गदर्शन करू इस तूफान दे विच, ये सानू चानण मनारा बन के राह दिखाऊ। मैं अपने भरावां नू रिक्वेस्ट करदा कि जिहड़ियां मैनुफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ने वो कट्ठियां होकर कोआपरेटिव बनान और अपनी फसल का दाम आप फिक्स करन। मैं ये हक कमेटी दे विच पहले ही सुझाव दे चुके हाँ सीएम साहब नू। इस करके असी एक जागरूक तरीके की लड़ाई लड़िए। मैं धन्यवादी हाँ तुहाडा सारिआं दा। और अखीर दे विच एक शेर दे नाल, फिर ना कहना सिद्धू आया सी ते शेर नहीं सुनाया, टका के सुनाना तुहानू शेर। मैं अपनी बाणी नू विराम दिना और मैं तुहानू टका के कहना कि दरबार वतन में जब एक दिन सब जाने वाले जाएंगे, कि जदों दरबार वतन के दरबार च जाते हैं ना, कुछ अपनी कजा कजा होंदी है मौत, कुछ अपनी कजा को पहुंचेंगे, कुछ अपनी सजा को पाएंगे। ऐ खाक नशीनों उठ बैठो, अब वक्त कहां आन पहुंचा है, जब दिल्ली के तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे, तख्त गिराए जाएंगे और ताज उछाले जाएंगे। बढ़ते भी चलो, चलते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, बढ़ते ही रहो कि अब डेरे मंजिल ही पे डाले जाएंगे, मंजिल ही पे डाले जाएंगे। मैं धन्यवाद करदा साडे रहनुमा साडे रहबर राहुल गांधी जी का, मैं धन्यवाद करदा जाखड़ साहब का, साडे सरप्रस्त हरीश रावत जी का मैं धन्यवाद करदा, सीएम अमरिंदर सिंह जी का मैं धन्यवाद करदा कि तुसीं इस स्टेज के उत्ते मैनूं बोलण का मौका दिता। चक दिओ फट्टे, नप दिओ किली, अड़ा दिओ तोते, पा दिओ मूछे, बात खत्म।